क्या आपको पता है बिहार में 200 से भी ज्यादा वाटरफॉल्स हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये सच है। आईने अकबरी में ये लिखा गया है कि बिहार के रोहतास में बारिश के वक्त में 200 से भी ज्यादा वाटरफॉल्स देखे जा सकते हैं, और ये आंकड़े सिर्फ रोहतास के हैं। मगर बात जब बिहार में वाटरफॉल्स की हो तो कैमूर का नाम आना लाजमी है। इस वीडियो में हम आपको कैमूर के एक ऐसे वाटरफॉल के बारे में बताएंगे जिसे ना के बराबर लोग जानते हों। कैमूर में हमारे एक दोस्त रहते हैं जिनका नाम है निशांत, और इस वाटरफॉल के बारे में उन्होंने ही हमें बताया था कि भाई ऐसे ऐसे एक जगह है यहाँ पे जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ के लोकल्स ही बस जानते हैं, आसपास के गाँव के बस जितने लोकल्स हैं वही लोग जानते हैं। निशांत ने भी इस वाटरफॉल के बारे में बस सुना था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई चलते हैं मिल के इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए। करीब 2 साल पहले हम और हमारे को दोस्त राहुल दू लोग ही तेरे घूमत घूमत गईनी जा मुंडेश्वरी मंदिर। तो हमनी के सोचनी जा कि मंदिर तो हमनी के हमेशा जाने जा, लेकिन जो मंदिर के जो एकदम सटले को जो रास्ता है गल बा कहाँ तक जाला ये हमनी के पता नहीं हो रहा है। तो हमनी के ही तेरे गईनी जा घूमत घूमत तो एगो गाँव वाला से पूछनी, देखनी भाई इधर पहाड़ तो बहुत ऊँचा ऊँचा बा, तो हम ऐसे ही पूछनी का भैया इन्हें झरना वरना बा? तो वो लोग बोलल कि हाँ भैया बहुत बा इन्हें झरना, 2-3 गो बा, कहाँ जाए के बा आपके? तो लोग बताएल कि एगो बड़का झरना बा एगो छोटका झरना बा, तो बहुत सबसे बढ़िया तो इंका छोटके झरना बा, बड़का झरना भी बा, लेकिन वो बड़का झरना के गिरत तो इतना पेड़ पौधा बा पते नहीं चली कि उनमें बड़ झरना बा, मतलब कि छोटके झरना एकदम बहुत इतना मस्त व्यू बा वजह से जे आई एकदम खुश हो जी। और एक बार भगुआ के लड़का चाहे कोनो लोकल लड़कन के पता चल गल तो इंका नाइयो नहीं इतना भीड़ लगी, हम जाना थी पूरा यूथ हो जिंगा पहुँच गई, बहुत बवाल जगह बाबू। तो फिलहाल अभी हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, तो आपको दिखाते हैं यहाँ से नज़ारा। कैसा लग रहा है निशांत? एक नंबर। तो बारिश भी स्टार्ट हो चुका है, बैग वैग पैक करके हम लोग निकल गए हैं, फुल मूड है अभी नहाने का। तो बिहार में का बा? बिहार में बहुत कुछ है, अभी हम आपको दिखाएंगे बहुत कुछ ये जंगलों के बीच से। भाई साहब ये जो फीलिंग है अपने बिहार में आके है, मतलब क्या ही बोले। दिस इज बिहार, समझे भैया? इस बार करीब 1-1.5 घंटे गुजारने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि भाई अब यहाँ से वापस लौटा जाए, बट नेचर कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है। कंटिन्यूअस बारिश के वजह से पानी का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और फिर जो हमने देखा वो बहुत अनएक्सपेक्टेड और डरावना खौफनाक कह सकते हैं। आप देखें
ऐसे उतरा दिया थी लोकल्स के हेल्प से हम लोग ऐसे नीचे उतर पाए, और यहाँ तक गोप्रो का जो बैटरी था वो पूरा ड्रेन हो चुका था, तो ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो ये सब हम आपको क्यों दिखा रहे हैं और उस मोमेंट पे हम कैमरा से रिकॉर्ड क्यों कर रहे थे, इसका जवाब हम आपको आगे देंगे। बट उससे पहले आप में से बहुत लोग अक्सर ये सवाल आता है कि भाई जो वीडियोस हम बनाते हैं, जो ट्रैवलिंग में खर्च होता है, वो पैसा हम कहाँ से लाते हैं। तो भाई हम यूज़ करते हैं कॉइन स्विच को बेर ऐप, जहाँ आप कोई भी छोटा या बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना है जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, तो आप कॉइन स्विच को बेर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको 75 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज मिलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए विद अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़। सबसे बेस्ट पार्ट है इस ऐप का कि काफ़ी सिंपल यूज़र इंटरफेस है, कोई भी बिना कुछ प्रॉब्लम के इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। एक साल के अंदर 7.5 मिलियन यूजर्स ने इस पर रजिस्टर किया, तो भरोसेमंद भी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से रजिस्टर करने पे आपके वॉलेट में 50 रुपीज़ का बिटकॉइन आपको फ्री में मिलेगा, और डिपॉजिट और विद्रॉल का जो फी है वो है 0। तो जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेक कर सकते हैं। हाँ भाई, अब वापस आते हैं वीडियो पे। तो ये सब दिखाने के पीछे पर्पस ये था और रिकॉर्ड करने के पीछे पर्पस ये था कि जो गलतियां हमसे हुई वो आप लोगों से नहीं हो। बट उससे पहले हम आपको एक ओवरव्यू देते हैं कि बारिश के पहले जो वाटरफॉल था वो कितना था, पानी का जो लेवल था वो कितना था, और बारिश के बाद का क्या लेवल था। आप देखें पहले ओवरव्यू, फिर आपको एक आइडिया मिल जाएगा, फिर आगे की बातें हम करते हैं। पहले देखें तो जब हम यहाँ पे आए थे तो ऐसा कुछ था नहीं, इनफैक्ट धूप भी निकला हुआ था, पानी का लेवल भी बहुत कम था। जब बारिश शुरू हुई तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वापसी में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। हम लोग लिटरली काफ़ी फंस गए थे, मतलब लग ही नहीं रहा था कि वापस आ पाएंगे, बच पाएंगे। कुछ था नहीं वहाँ पे वैसे बचने को, लग रहा था कि बस आज काम ख़त्म है। तो वीडियो बनाने के पीछे जो रीज़न था वो यही कि जो चीज़ हम लोग को फेस करना पड़ा वो हम लोग आपसे शेयर करेंगे, सो डैट आप लोग अवेयर है उन सब चीज़ों से। और अगर आप वाटरफॉल पे जाते हैं तो दो तीन चीज़ ध्यान में रखें हमेशा। पहला ये कि कभी भी ऐसे बारिश हो रहा तो ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप वापस आएंगे तो फंसने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। पानी का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहाव बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो कभी भी वो चीज़ ट्राई ना करें, कोशिश करें कि नीचे ही रहे वाटरफॉल के, कि अगर कुछ ऐसा होता भी है तो आप लोग ईजिली जा सकते हैं वापस। दूसरा ये कि इन सब जगहों पर बहुत ज़्यादा बिजली गिरने का चांसेस रहता है, तो थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि हम लोगों ने सामने से ऐसे फील किया है। और अगर आप बिहार के वाटरफॉल्स में जा रहे हैं तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखे जाए कि आप अपने रिस्क पे जा रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसे प्रॉपर रेस्क्यू टीम नहीं है जो आपको रेस्क्यू करेगी, जो भी है आपको खुद करना होगा। बट हाँ, लोकल्स रहते हैं, काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं लोकल्स, बट फिर भी रिस्क ना ले, ऐसे ऊपर ना चढ़े। जो गलतियाँ हमसे हुई वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, सो डैट आप लोग ऐसा गलती ना करें, आप लोग सेफ रहे और जाएँ वाटरफॉल, जाए सेफली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक फन फैक्ट आपको यहाँ के बारे में बताते हैं, इस वाटरफॉल का ऐसे कोई प्रॉपर नाम नहीं है, कोई इसे बड़ा वाला झरना बोलता है, कोई छोटा वाला बोलता है। तो हम लोगों ने इसका जो नाम रखा है वो रखा है मुंडेश्वरी वाटरफॉल, क्योंकि मुंडेश्वरी जो मंदिर है उसके जस्ट पीछे एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पर यह छुपा हुआ झरना है जो बहुत कम लोगों को यह वाटरफॉल दिखता है। तो इसलिए हम लोगों ने इसका नाम रखा है मुंडेश्वरी वाटरफॉल। अगर आपको यहाँ पर जाना है तो जस्ट आप गूगल कीजिए कैमूर भभुआ, वहाँ पर मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ है, मुंडेश्वरी मंदिर आपको इजीली मिल जाएगा। और मंदिर के जस्ट पीछे एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसे पूछना पड़ेगा, तो लोगों से पूछते हुए आप जा सकते हैं, तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे मुंडेश्वरी वाटरफॉल पे। तो ये था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी या वीडियो में। इस वीडियो का जो लाइक एम है वो है 7000 लाइक्स। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियोज़ में और आपका लाइक और कमेंट बहुत मैटर करता है हमारे लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कॉइन स्विच ऐप का, तो अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना है तो आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी या वीडियो में, तब तक ले छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, और हमारे ज्वालों के लिए बाय बर खुदा। समझे भैया दिस बात बोई, एक हाथ में माइक था इसलिए प्रणाम नहीं कर पाए, तो लीजिए नमस्ते। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी या वीडियो में, तब तक ले छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, और हमारे ज्वालों के लिए बाय बर खुदा। समझे भैया दिस बात बोई।